ये है हरिश्चंद्र घाट। आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहां पर चिताएं जल रही हैं। ये चिताएं किसी मजदूर की भी हैं, किसी उद्योगपति की भी हैं और किसी राजनेता की भी हो सकती हैं, क्योंकि जीवन का यही सत्य है, व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न अर्जित कर ले, जीवन के अंतिम समय का जो रहस्य है, जो सत्य है, उसे सबको जानना चाहिए। इसीलिए विदेशों से भी सैलानी यहां आते हैं और दो दो तीन तीन घंटे बैठ करके जीवन के सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जानेंगे यहीं पर चिताओं को जलाने वाले एक व्यक्ति से यहाँ की बातें। आइए मिलाते हैं विजय जी से। यहाँ पर हमारे पीछे आप दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है व्यक्ति के अंतिम समय यानी कि उसकी मौत के बाद उसका जो दाह संस्कार किया जाता है, राजा हरिश्चंद्र घाट पर आप देख रहे हैं, पीछे हमारे विजुअल्स दिख रहे हैं। और दाह संस्कार करने वाले परिवार में से ही एक हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? विजय जी। तो विजय जी आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पर लोग जो जिस तरीके से रिचुअल्स करते हैं, क्या कुछ इतिहास रहा है, कैसे लोगों की जो मान्यता है जो यहाँ हरिश्चंद्र घाट पर आने की जो है। भैया मान्यता के हरिश्चंद्र जी ऐसा मान्यता की है कि हर एक के लिए सुविधा की है, कि ये नहीं कि कोई नहीं ये घाट पे आके अपना दान संस्कार किए, हर एक इंसान को मौका दिए कि खुद अपना राज छोड़ के यहाँ आके डोम के परिवार के साथ में वो अपना नौकरी करके गए। अच्छा, उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो एक राजा थे? नहीं भाई। और अंतिम समय में भी अपने पुत्र का जब उन्होंने दाह संस्कार करने के लिए अपनी औरत से भी उन्होंने जो है कर मांगा, कितनी बड़ी बात हो जाती है। आज के समय में जो लोग जी रहे हैं बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन आना तो इसी जगह पर है। आना तो इसी जीवन का तो सत्य यही है। जब राजा हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति भी यहाँ पर जो उसके रिचुअल्स थे उनको करने के लिए लोगों से जो एक रूल्स बना था, जो एक नियम बना था, उसका पालन किया, सबसे एक जैसा व्यवहार किया, लेकिन अब आपको लगता है कि वो चीज़ें अब रह गई पहले जैसी? नहीं भैया, नहीं रह गई। नहीं, बहुत कुछ अच्छा, बदल गया है। अच्छा, अभी भी लोग आते होंगे दाह संस्कार के लिए अपने परिजनों के लिए? कुछ ऐसे भी लोग आते होंगे जिनके पास शायद दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं होता? आते हैं। तो आप लोग क्या कैसे उनके साथ क्या होता है? भैया उनका साथ ये होता है कि नहीं, बुराई नहीं होता है उनके लिए। जो आज का दिन का राजा रहता है उनके लिए कुछ ना कुछ मदद कर देते हैं। अच्छा, वो कर देंगे? हाँ, कि ये नहीं कि वो ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ खाली चला जाए। जैसा इधर भी एक डेड बॉडी आती है कि ये देखो, जैसा रेलवे में कई में आती है कि ये नहीं कि पोस्ट मर्डर हो के आने के बाद हम ये नहीं बोलते कि ये है कोई अनाथ है, नहीं, कि हम सब साथ वाले, कि वो भी अपने जैसे इंसान है। लेकिन कुछ तो लेते ही होंगे उनसे। आप जैसे राजा हरिश्चंद्र की एक मान्यता थी कि उन्होंने लास्ट तक अपने पुत्र के लिए भी कर लिया यहाँ पर, तो आप लोगों की भी कुछ मान्यता होगी कि अगर कोई यहाँ डेड बॉडी जलती है, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कुछ तो लेते होंगे? भैया ये देखो, मन्नती ऐसा है कि जो आग देने वाला है उसको कुछ भी तुम देना ही पड़ेगा। अभी भी है जीवन का। अच्छा, ये जो सत्य है, लोग बहुत पैसा कमा ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं। हमने कई सारे जो है फॉरेनर से भी हमने वीडियो में बात की, उन्होंने भी बताया कि देख रहे हैं लगभग जो है डेढ़ दो घंटे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम काफ़ी स्टोरी अपनी कवर कर रहे थे तो हमने देखा कि लोग दो घंटे से बैठे हैं। भैया जैसा तुम सोच रहे ना, एक इंसान को अपना दिल शांति चाहिए तो खुद आ जाएगा, अपना खुद बैठ जाएगा, तो उस समय तुम नहीं बता पाएंगे तो कितना समय बैठेंगे कि जाएंगे, 10 मिनट बैठेंगे कि 1 मिनट बैठेंगे, तुम नहीं बता पाएंगे कि 2 घंटा भी बैठ सकता है इंसान जब तक उसका शांति ना मिली। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ आने के बाद व्यक्ति तो कुछ समय के लिए उसका दिल परिवर्तित होता है लेकिन जैसे यहाँ से हटेगा फिर से वही आपाधापी तो जिंदगी और फिर से उसी माहौल में डल जाता है। ऐसा ना वास्तविकता है, मैं कह रहा हूँ ऐसी सत्यता है। जो लोग देख रहे होंगे अगर कभी यहाँ आए होंगे या इस तरह के जो है दाह संस्कार के घाटों पर गए होंगे तो कुछ समय के लिए उनके दिमाग में उनका दिल जो है पसीजता है कि कितने गलत काम हम करते हैं और कितनी गलत चीज़ें हमसे हो जाती हैं, लेकिन एक समय के बाद जब यहाँ से फिर वापस जाते हैं या इस वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो के देखने के बाद फिर से उनके दिमाग में फिर वही सारी चीज़ें। भैया देखो, इंसान की तो सोच ऐसा है कि तुम कुछ भी बताए, जैसा
कीड़ा घूमता है, इंसान का दिमाग भी वैसी है। जब इंसान सोचता है कि हाँ हम ये दिमाग में चले तो तुम्हारा दिमाग जैसा चाहिए वैसा चलता है। अच्छा, आपके आपके जब से आप यहाँ पर हैं कोई ऐसी केस आई आपके सामने जो है जो जो बिल्कुल बेचारा लाचार ऐसा कोई व्यक्ति आया? हाँ भैया, हम मनकनका पे देखे थे। तो आपने क्या किस तरीके नहीं से? हम तो हमारा तो कुछ नहीं रहता भैया, जिसका मालिक ओनर होता है पहला उन्हीं के पास जाते हैं, हमारे पास नहीं आते भैया। जिनका ओनर है, आज का दिन का ओनर, पहले उन्हीं के पास जाके राजा से मिल के बातचीत करके बाद में जो राजा आज्ञा देता है उसका सेना पाला करता है। तो अभी भी वो राज घराना बिल्कुल चल रहा है अभी भी? वैसी है कि ऐसा नहीं कि ये देखो कि बदला। तो आज हमारे साथ थे विजय जी, और इस तरीके से हम यहाँ की राजा हरिश्चंद घाट जो है वाराणसी को कवर कर रहे थे। आप विजुअल्स देख सकते हैं, यहाँ पर जो है माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, और हम बिल्कुल पूरी तरीके से कैमरामैन से कहेंगे एक बार विजुअल्स को दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो जो रिचुअल्स हैं जो क्रिनेशंस के दाह संस्कार के वो हो रहे हैं, और इधर बगल में माँ गंगा जो है बह रही हैं। तो एक बार पूरा एक व्यू दिखा दें तो बड़ा अच्छा होगा। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग ये मृत्यु के बाद जो सत्य है जीवन का, उसके बाद जो दाह संस्कार करते हैं, जो रिचुअल्स अपनाए जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, क्रिनेशंस किए जाते हैं, ये सत्य है, यथार्थ है। व्यक्ति को इस यथार्थ को मानना चाहिए, और जो अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके की चीज़ें वो करता है, कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद उसको पता होना चाहिए कि जो यथार्थ है, सबको यहीं एक दिन आना है। तो ऐसा कुछ ना करें कि जो मानव दृष्टिकोण से गलत हो और मानवीयता के लिए गलत हो, क्योंकि भैया कमा कुछ भी लेंगे लेकिन आखिरी में तो सब कुछ जाना वहीं है, होता सबके साथ एक जैसा ही है। धन्यवाद, नमस्कार।